दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा गोल्डन बटर ऑयल घी की कहानी। कैसे एक टाइम पे भारत में घी को खाने से भी कुछ ज्यादा माना जाता था, कैसे विदेशी तेल कंपनियों ने नेगेटिव मार्केटिंग से इसे बुरा बना दिया, और फिर कैसे हम भारतीयों ने घी खाना ही बंद कर दिया था। लेकिन सच्चाई की जीत हुई और आज घी को अमेरिका और बाकी देशों में क्लेरिफाइड बटर के नाम से प्रीमियम कुकिंग ऑयल के रूप में बेचा जा रहा है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घी के हैरान कर देने वाले फायदे और कैसे इस भारतीय सुपर फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करके आपकी फिटनेस जर्नी जाएगी नेक्स्ट लेवल पे। इस वीडियो में बात करेंगे सब कुछ घी के बारे में। स्टे ट्यून्ड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिट ट्यूबर हिंदी। हम भारतीय सदियों से ही घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मक्खन को धीरे धीरे पकाया जाता है, ऊपर रह जाता है गोल्डन कलर का लिक्विड, इस लिक्विड को कहते हैं घी। घी होता है पोषक तत्वों से भरपूर, जबरदस्त मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ इसे शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरह से यूज किया जा सकता है। इतने बेशुमार बेनिफिट्स होने की वजह से घी को भारत में दिव्य माना जाता रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप देश के किस हिस्से से आते हैं, घी हमेशा से ही खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था। हालांकि कुछ ऐसा हुआ 1970-80 के दशक में, जब ये विदेशी रिफाइंड ऑयल कंपनीज ने अपने सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी ऑयल्स बेचने के चक्कर में घी की जमकर बदनामी की। इन्होंने घी को मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाला बताना शुरू कर दिया। जब इतनी बैड पब्लिसिटी हुई तो हमने अपने घर में रिफाइंड ऑयल में खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ हेल्थ कॉन्शियस लोगों ने विदेशी ऑलिव ऑयल, जो 5 गुना महंगा मिलता है, उसे खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन घी तो बिल्कुल ही बंद कर दिया। मॉडर्न डॉक्टर्स ने लोगों को घी खाने से मना कर दिया। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस ने आपकी डाइट से घी निकाल दिया, और वो सो कॉल्ड हार्ट हेल्दी ऑयल्स जिनकी वजह से हमने घी खाना बंद कर दिया था, आज मॉडर्न रिसर्च स्टडीज ने प्रूव कर दिया है कि ये न्यूट्रिशनलेस लिक्विड्स में तेल जैसा कुछ भी बचता ही नहीं है। इतनी ज्यादा रिफाइनिंग के बाद ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो जाते हैं। रिफाइंड ऑयल्स का ज्यादा इस्तेमाल आज भारत में हार्ट अटैक्स का सबसे बड़ा कारण बन चुका है। खैर, सच को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता, और आज मॉडर्न साइंस की लेटेस्ट स्टडीज ही उस घी को हेल्दीएस्ट फॉर्म ऑफ फैट बता रही है। क्या आपको पता है कि आज घी अमेरिका में ट्रेंडिंग है? जी हाँ, जिस तरह से आज भारतीय सुपरमार्केट्स की शेल्फ पर आपको ऑलिव ऑयल दिखता है, वहीं यूएस में घी को प्रीमियम कुकिंग ऑयल बोल के बेचा जा रहा है। लेकिन क्या है जो घी को इतना स्पेशल बनाता है? क्या घी में सैचुरेटेड फैट ज्यादा नहीं होता? होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का, SCFA। जी हाँ, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एक अनोखे टाइप के सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं जो घी में पाए जाते हैं। लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो मीट और बाकी एनिमल प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं, उनसे अलग शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को छोटी आंत में तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसे एकदम से ही एनर्जी के लिए यूज किया जा सकता है। यही स्पेशल क्वालिटी है घी की, जिस वजह से घी मोटापा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। घी में CLA भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो फैट सेल्स को श्रिंक करके नॉर्मल साइज पे ले आता है। आजकल आपने देखा होगा मार्केट में CLA एज नंबर 1 फैट बर्निंग सप्लीमेंट बिक रहा है। कोई जरूरत नहीं है खरीदने की, फैट लॉस करना है तो बस घी खाओ। घी की एक और जबरदस्त क्वालिटी ये है कि इसका स्मोक पॉइंट 250 डिग्री से भी ज्यादा होता है, जो किसी भी और कुकिंग ऑयल से ज्यादा है। स्मोक पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिसके ऊपर ऑयल खराब होने लगता है। इसी वजह से घी हर तरह की कुकिंग, यहाँ तक कि डीप फ्राइंग के लिए भी बेस्ट है। क्या आपको पता है कि जितनी बार भी आप अपने खाने के ऊपर कच्चा घी डालते हैं, आप अपने खाने का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम कर रहे हैं? जी हाँ, इससे ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है, जिसकी वजह से डायबिटीज के मरीजों के लिए घी बहुत जरूरी है। लो GI की वजह से घी खाने में पोषक तत्वों की एसिमिलेशन में भी हेल्प करता है। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम अक्सर ही रहती है, तो काफी चांसेस हैं कि घी आपकी डाइट से मिसिंग है। घी में ब्यूटेरिक एसिड होता है। क्या है ये ब्यूटेरिक एसिड? एक्चुअली हमारी बॉडी फाइबर को ब्यूटेरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। अब क्योंकि घी में नेचुरली ब्यूटेरिक एसिड होता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर से लोड कम कर देता है। इसलिए किसी भी और ऑयल के मुकाबले घी में पका हुआ खाना आपके पेट के लिए लाइट होता है। घी में जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स होते हैं, उन्हें एज अ प्रीबायोटिक रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। प्रीबायोटिक मतलब पेट में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना कि गट फ्रेंडली बैक्टीरिया इंक्रीज हो जाए। घी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में रिच होने की वजह से ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं बल्कि कम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स CLA और AD&E जैसे विटामिन से भरपूर घी सच मायने में हार्ट के लिए हेल्दी है। कितनी ही स्टडीज से ये प्रूव भी हो चुका है। इसलिए अगर आपके हार्ट के डॉक्टर आपको घी खाने से मना करते हैं, तो अपना डॉक्टर बदल दें। इसके अलावा अगर आप लेथार्जिक फील करते हैं, मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, जॉइंट पेन्स, स्किन प्रॉब्लम्स, हार्मोनल इंबैलेंस, इनफर्टिलिटी या डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, तो आपको अपनी सब्जियों के ऊपर एक चम्मच
घी डालकर खाना चाहिए। और हाँ, क्या आपको पता है कि प्योर देसी घी की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। आयुर्वेद के अनुसार अगर घी को कांच के एयरटाइट मर्तबान में धूप से दूर रखा जाए तो ये कभी भी खराब नहीं होता, बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है कि घी जितना पुराना होता है उतना ही ज्यादा गुणकारी होता है। अब बात करते हैं कि घी कैसे खाएं। घी क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट होता है, इसमें इम्प्यूरिटीज यहाँ तक कि दूध के कण भी नहीं बचते, इसलिए घी लैक्टोज फ्री होता है। घी त्रिदोषिक है जो ऑलमोस्ट हर बॉडी टाइप को सूट कर जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या आपका फिटनेस गोल है, क्या एज, क्या जेंडर वगैरह है। आप अपनी रेगुलर डाइट में 2 से 4 चम्मच घी इंक्लूड कर सकते हैं। घी को आप रोटी, चावल, सब्जी या दाल के ऊपर डालकर खा सकते हैं। हाई स्मोक पॉइंट की वजह से तड़का या डीप फ्राइंग के लिए भी आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी ना ही सिर्फ आपके खाने में मेडिसिन का काम करेगा बल्कि खाने के फ्लेवर को भी बढ़ाएगा। घी को भारत में पूजा के लिए भी यूज किया जाता है। इसकी वर्सेटैलिटी किसी मिरेकल से कम नहीं, जहां इसके यूजेस ना ही सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल भी हैं। आयुर्वेद में ऐसा लिखा गया है कि अगर कोई रोज एक एक बूंद घी की नाक में डाले तो कॉलर बोन के ऊपर के सभी अंगों को पोषण मिलता है। ऐसा रोज करने से आपकी स्किन ग्लो करेगी, बाल घने और काले होंगे, आंखों और कानों की शक्ति बढ़ेगी और दिमाग तेज होगा। घी से नाभि की मसाज करने से जॉइंट्स को ल्यूब्रिकेशन मिलती है, इम्यूनिटी बढ़ती है, डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होती है और स्किन पर भी दाग कम हो जाते हैं। दोस्तों, घी एक सुपर फूड है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि आप दबा के घी की मिठाइयां खाना शुरू कर दें। इनमें इतनी रिफाइंड शुगर डाली जाती है कि घी भी आपको मोटा होने से नहीं बचा पाएगा। बाकी घी और दही का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसलिए अगर आप अपने खाने में दही ले रहे हैं तो घी अवॉइड कर दें। फिर बराबर मात्रा में घी और शहद को विष के समान कहा गया है। कौन सा घी इस्तेमाल करें? घी गाय, भैंस और यहाँ तक बकरी के दूध से भी बनाया जा सकता है, हालांकि देसी गाय का घी ही बेस्ट माना जाता है। आप घी को अपने घर में बना सकते हैं, अपनी नजदीकी गौशाला से भी ले सकते हैं या ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैंने कुछ ऑथेंटिक देसी घी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। हाँ, देसी गाय का घी जो ट्रेडिशनल तरीके से बनता है वो थोड़ा महंगा तो होता है, लेकिन फिर हमारे शास्त्र कहते हैं कि चाहे उधार लेकर खाना पड़े लेकिन घी आपको जरूर खाना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आप मेरे काम को ज्वाइन बटन क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन को भी दबा देना ताकि जब भी मैं अपनी अगली वीडियो डालूं आपको पता चल जाए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं ऑलमोस्ट एवरी सैटरडे एट 11 AM एक Q&A सेशन करता हूं। माय नेम इज विवेक। आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।